स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है। सीबीआई के खिलाफ उनकी जमानत याचिका थी, उनसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बताएंगे पूरा न्यूज, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है। साथ ही जमानत याचिका के निचली अदालत में जाने के लिए उन्हें 29 जुलाई को ही सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस के लिए असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी बिना मामले की जाँच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी, मगर सीबीआई केस के चलते वह जेल में ही हैं और आगे भी वह जेल में अभी बने रहेंगे। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ गई है। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 25 जुलाई को राव एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें केजरीवाल को न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 31 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। वो ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राव एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। ईडी केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था केजरीवाल 90 दिन से जेल में, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और उन्हें यह तय करना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा था कि इस मामले में बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसे के लिए हम 3 सवाल भी तैयार किए हैं। ईडी ने 9 जुलाई को शराब नीति केस में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी। 9 जुलाई को ईडी दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में सीएम केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया था। चार्जशीट में कहा गया था कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी के लिए खर्च किया था। ईडी ने चार्जशीट में कहा था केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया था। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ग्रुप की सदस्यों से 100 करोड़ के रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सहयोगी विजय नायर इसके लिए बल्कि वित्त मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। उनमें यह भी दावा किया था सीएम ने वह दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन भी वही करते थे। तो दोस्तों केजरीवाल को राहत, मेन बात यह है कि मिला नहीं है। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना उस समय उन्होंने इस केस को दर्ज करवाया था। जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी यह आखिरी उनका यही कोर्ट का डिसीजन है और केजरीवाल कब तक जेल में रहते हैं ये कहना अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इनका सहयोगी मनीष सिसोदिया अभी जेल में ही हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अभी जेल में हैं और वो लंबे समय से जेल में ही हैं। हालांकि संजय सिंह इनके आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता वो जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल कब बाहर होंगे, मनीष सिसोदिया कब बाहर होंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी अपडेट होगा हम लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली तक। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।